के विजयनगर रोड सूरज कॉलोनी स्थित श्री महाकालेश्वर महादेव मंदिर में चल रही शिव पुराण कथा के दौरान प्रतिदिन बड़ी संख्या में श्रोतागण भाग लेकर कथा रसपान कर रहे हैं। कथा के दौरान कथा प्रवक्ता पाली रोड पर स्थित सिद्ध आश्रम के महंत डॉक्टर 108 श्री देवर्षि दास महाराज श्रोताओं को संगीत में शिव पुराण कथा का रसपान करवा रहे हैं। गुरुवार को कथा के तृतीय दिवस श्रोताओं को कथा रसपान करवाते हुए श्री शिव महापुराण का महत्व बताया। इस दौरान संत ने बताया कि सती अपने माता पिता के नहीं बुलाने पर भी यज्ञ देखने के लिए गई, जिसके फलस्वरूप भगवान भोलेनाथ सती से रुष्ट हो गए। संत ने बताया कि जिस यज्ञ में भगवान भोलेनाथ का आसन नहीं होता है, वह यज्ञ कभी पूर्ण नहीं हो सकता। यज्ञ आयोजन में भगवान भोलेनाथ का अपमान देखकर सती ने यज्ञ कुंड में अपने प्राणों की आहुति दे दी। इसी दौरान जहां जहां सती के अंगों का क्षय हुआ, वहां वहां शक्तिपीठ स्थापित हो गए। संत ने बताया कि जहां सती के नेत्र गिरे, वहां नैना देवी शक्तिपीठ बन गया। संत ने उपस्थित श्रोताओं से अपने जीवन काल में एक बार इन शक्तिपीठों का दर्शन करने का आह्वान किया। गुरुवार को कथा स्थल पर भगवान शिव के तांडव नृत्य का मंचन किया गया। इस दौरान वृंदावन के राधा रानी म्यूजिकल ग्रुप के कलाकारों ने भजनों का आकर्षक प्रस्तुतियां दी। कथा श्रवण के दौरान बड़ी संख्या में सूरज कॉलोनी के निवासी मौजूद थे।